चलो शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा डिजिटल, ठीक। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि बी सी टेट का सेकेंड पेपर, और जो कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, और मैं भी इस साल देने वाला हूँ, और हमारा दोस्त लोग भी बहुत सारा है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज डिजिटल डिजिटल लॉजिक का MCQ, जो ये पूरा सर रिसर्च किया हूँ कि कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछता है, उसी बेस पे जितना ये ग्रीन किया हूँ उस टॉपिक से मैंने लिया हुआ है। इवन प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस भी लिया हुआ हूँ, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच एडवांस वाचिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक। तो लिखा है कि व्हाट इज़ द डिसिमल नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, मैंने क्या डिसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पोजीशन डिफरेंट पोजीशन करता है, ठीक है। और जो हमको अच्छा लगेगा वो मैं बताते चलूँगा आपको, ठीक है। व्हाई द डिसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम, देखिए इसी के बीच पर ये पोजिशनल था, ये भी पोजिशनल आ गया, ठीक है। तो वाई तो इसमें बता रहा है कि देखिए ये सेंस ऑफ द नंबर ऑफ द मल्टीपल बाय, नहीं द सेंस द वैल्यू नंबर ऑफ डिसाइडेड टू द पोजिशन वैल्यू ऑफ दैल्यूज, ठीक है। यह है द इन द बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट रेंज ऑफ द नंबर सिस्टम का रेंज कितना होता है, यही पूछ रहा है। तो बाइनरी का तो 0 और 1 होता है, ठीक है। 0 और 1, ये सब ध्यान रखिएगा किसका 0 1 होता है, और 8 बिट वाला में होता है 0 से 7, ये सब ये होता है हेक्सा डिसिमल का, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। हाउ मैनी द रिप्रेजेंट द डिसिमल पॉइंट, हाउ मैनी सॉरी हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द डिसिमल पॉइंट। तो वेट इज द डिसाइड नहीं होता है, लोकेशन पोजिशन समझ लीजिए उसका होता है। फिर ये सीरीज ऑफ द एफिशिएंसी बाय द सीरीज ऑफ द कोएफिशिएंट, मतलब उसका कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे वाला ही डिसाइड करता है कि डिसिमल नंबर को। जैसे मान लीजिए जैसे लिखते हैं लोग, जैसे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो आगे 1 1 रहता है और 0 रहता है। अगर 0 रहता है उसका कोई फर्क नहीं। वहीं ए डिजिट इन, मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी कवर करनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए डिजिट इन, एक बार देखें कि स्टार्ट हुआ कि नहीं। हाँ, ए डिजिट इन द बेस आर विल बी द रेंज ऑफ, देखिए कुछ भी हो 0 से स्टार्ट होता है, R1 पर ख़त्म हो जाता है, R-1 पे, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दी कन्वर्जेशन ऑफ द बेस ऑफ द डिसिमल बेस द डन बाय द ईच द डिजिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेच एंड डैश डैश द इंडिविजुअली प्रोडक्ट द वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और एडिंग, दो चीज़ होता है जो आप देखते हैं कौन कौन है। अब क्या होता है, कह रहा है कन्वर्जेशन ऑफ द बेस ऑफ डिसिमल बेस डन बाय डैश डैश ईच डिजिटल कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज डैश डैश ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल एंड एडिंग, ठीक। द विच मेथड बीज टू द कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम द ऑक्टल बेस टू द डिसिमल बेस, तो इसमें क्या होता है, ऑक्टल बेस में क्या होता है कि हम कौन सा से करते हैं, तो इसको पता हम लोग को डायरेक्ट कन्वर्जेशन होता है। फिर एक एक ये क्या नाम है इसका, डिसिमल के इक्विवेलेंट ऑक्टल बेस एंड पोजिशनल नोटेशन मेथड होता है, ठीक है। ऑक्टल टू डिसिमल, डिसिमल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, पोजिशनल पढ़े थे हम लोग पहले क्वेश्चन जो पढ़े थे, लोग देखिए जाके फिर से बैक करके पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पोजिशनल। तो ये पोजिशनल नोटेशन होता है, ठीक है। अब इन विच द कन्वर्जेशन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 16, मैंने ये देखिए अब किसमें हेक्सा डिसिमल हेक्सल में होता है, ठीक है। ये पहले ही दिख रहा है हेक्सा में, और लोग उसके बाद लोग प्रोडक्ट ऑफ फाइनल डिसिमल नंबर, तो ऑफकोर्स हेक्सा टू डिसिमल इसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। तो बाइनरी नंबर ऑफ द कन्वर्टेड, मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो कहाँ पे धीमा बोलूँ कहाँ पे क्या करूँ, वो आप लोग सब सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एडवांस। बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर बाय द मेकिंग ग्रुप द 3 बिट, मैंने 3 बिट मिले कि 3 बिट के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो हमने पढ़ा था LSB, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB, देखो व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट 58 3 बिट। तो अब आप इसको जानते हैं कि 3 इसको क्या कीजिए, सबसे पहले 5 को 5 × 3 इसको पावर 1 और 8 + 8 करने के बाद उसके ऊपर डिसिमल में चेंज बाइनरी में चेंज कीजिए, तो इतना आएगा, ठीक। और हम लोग चलिए तो दूसरा सेट में पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा सेट का यह है कि पहला क्वेश्चन ही है, देखिए क्या कह रहा है। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और हम तो इसमें लाने वाले हैं पूरा डिजिट का सेट, और डेली डेली बाई डेली अभी कुछ दिन में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे बढ़ाते जाएं, और हम और हमारे एक एक छोटा सा बच्चा है वो हेल्प करता है, क्योंकि जॉब टीच ये टी थोड़ा सा वीडियो बनाना, एडिटिंग करना सारे काम है, तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इन एडवांस कन्वर्जेशन द बाइनरी द हेक्सा डिसिमल इफ द ग्रुप ऑफ द नॉट हैव द 4 बिट इन द पैडिंग विद द डैश डैश द मेक द 4 बिट। देखिए अगर 4 बिट का ही है, फिर 4 बिट चाहिए तो उसको है 0 से, ठीक है। जहाँ पे हमको कंसेप्ट लगेगा समझाने के लिए वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो हेक्साडेसिमल वाला है वो अगर बनने का टाइम मिला तो आपको बना बना के सिखा देंगे, ऐसे यूट्यूब पे भी मॉल सब मिल जाएगा, ठीक है। बट ये है कि इस लेवल पे नहीं मिलेगा। व्हाट इज द हेक्सा इक्विवेलेंट 916 4 बिट ऑफ द बाइनरी नंबर। 4 बिट में इसको चेंज करना है, ठीक है। जब इसको चेंज कीजिएगा, तो हमने चेंज किया था तो ये नंबर आया था, तो मैंने इसको अभी जस्ट अपने कापी पर रिवाइज कर रहा था तो मुझे ये मालूम ये दिखा, ठीक है। अब ये कैसे होता है अगर चाहिएगा तो आप बता पूछ सकते हैं, तो मैं उसको एक पिन कर दूंगा। मैंने नोट पैड में बना के रखा, नोट पैड नहीं कॉपी में बना के रखा हूँ। द साइन ऑफ द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन द इनकोडेड एलॉन्ग विद द डैश डैश टू रिप्रेजेंट द इंटीजर कम्प्लीटली। इंटीजर कम्प्लीटली ये अब ये मैग्नीट्यूड होता है, तो देखिए होता है साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इनकोडेड एलॉन्ग विद द डैश डैश टू रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑफ द कम्प्लीट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। ये क्वेश्चन देखेगा, ये बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने जब बना रहा था तो देखा विच ऑफ द पोजिशन टेक्निकल विच ऑफ द पोजिशन टेक्निकली द रिप्रेजेंट द साइन द इंटीजर, मैंने कौन सा साइन को करता है। तो देखिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कर्वे करता है, ठीक है। डायमेंशन रेडिएशन कम्प्लीट रिप्रेजेंट करता है, रेडिक्स कम्प्लीट कर्वे करता है, तो ऑल ऑफ दे, ठीक। व्हाट ऑफ द यूज टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखिए मैंने उसी टाइम बोला था आपको कि ये पूछेगा तो मैग्नीट्यूड है तो पहले MSB, ठीक। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग हेक्सा नंबर ऑफ द साइन ऑफ द 27। तब इसको 16 से भाग कीजिएगा तो 7F नहीं FF करके 16 आएगा, ठीक है। क्या कि 15 से सफल बचेगा इसमें, क्या कि 126 126 128 होता है, 8 8 128, और 15 बचेगा, 15 को एफ कहते हैं, और इसीलिए, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट आर द 15 मतलब 15, व्हाट आर द टू वे ऑफ द रिप्रेजेंटेड ऑफ 0 एंड 0 विद द साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैंने इसको क्या तो प्लस माइनस आपको ये हो सही हो, हाँ सही है। एक कर रहा है कि FA 16 बिट ऑफ द डैश वन कंपोनेंट रिप्रेजेंट द -5, तो इसमें -5 को करने के लिए 8 बिट में करेंगे, ठीक। द टू एस कंपोनेंट ऑफ द यूज रिप्रेजेंट द सिंगल इंटीजर स्पेशली डैश डैश, मैंने ये क्या होता है कि ना पॉजिटिव जैसे करें तो निगेटिव के लिए ही होता है, ठीक है। इन डैश डैश द इन कोडेड निगेटिव नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइनरी रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, टेकन द कम्प्लीमेंट ईच बिट द एंड एडेड वन। तो अगर वन ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऐड करते हैं तो मतलब एक तो फर्स्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा करते हैं तो टू कंपोनेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और होप करते हैं ये वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ी लंबी होगी चलेगा, बट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग दूसरी पढ़ेंगे आज ये सीरीज में डिजिटल का, कुछ और मैं क्वेश्चन लाने वाला था तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। और देखिए विथ ईच ऑफ द आर बेस सिस्टम, तो देखिए क्या होता है कि आर बेस सिस्टम में ये 1 और 2S कंपोनेंट नहीं होता है, बाकी रेडिएशन ये दोनों होता है, तो ये बोध कर लेंगे, ठीक। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अब। फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी, आखिर में आप फास्ट कीजिए, उससे अच्छा मैं ही फास्ट करने रहा हूँ। द सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ द सब्ट्रैक्ट द डैश डैश द, ये क्या होता है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी तो सब्ट्रैक्शन इसमें जुड़ा हुआ है तो सब्ट्रैक्टेड डिजिट बाय द माइनस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंडीशन ट्रू द डिटरमाइन द ओवरफ्लो कंडीशन टू कंपोनेंट, वो किसका ओवरफ्लो कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सबका हो जाता है, इसका देखा जाए तो 1 MMS आप लोग जानते हैं, पता है कि नहीं मालूम है कि ना MSB, ये सब क्या, ये थोड़ा सा कम जब हाफ हेडर फुल हेडर ये सब पढ़ेंगे लोग, फुल हेडर ये फिर उसके बाद से एक और है क्या याद नहीं आ रही है वो पढ़ेगा तो आपको मिलेगा, ठीक। तो इसके यही होता है, तो उसके बाद से व्हाट व्हाट डज द लेफ्ट द रिप्रेजेंट द अकॉर्डिंग टू AIE, तो मैंने इसमें क्या होता है
AIE ठीक है, द पोजीशन ऑफ नंबर ठीक है, पोजीशन नंबर ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ द नंबर ऑफ द दोज नंबर आर द इंक्लूडेड, कौन सा नंबर इंक्लूडेड होता है, तो इसमें होता है डिसिमल, फ्रैक्शन और इंटीजर, मतलब ऑल ऑफ देम। फिर बाइनरी इतना 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 के इतना, तो 16 देखिए, 16 गिनिएगा तो 16 सॉरी 32 है तो 32 बिट हो जाएगा ठीक। तो इतना इतना रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होता है, विच ऑफ द कोड इतना कितना है, 3 3 6 2 8 ठीक है, तो ये हमको चल जाएगा 16, ये हम लोग को स्टेट बाइनरी कोड में चला जाएगा 10 में ठीक है। बाइनरी कोड ये चीज चेंज होता है, बाइनरी कोड डिसिमल BCD ऑल्सो नोन एज 8 4 8 4 2 1 ठीक है। ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट एन, तो एन टू के पावर एन करते हैं ठीक है। वाट इज द रिप्रेजेंट डिसिमल रिप्रेजेंट और डिसिमल, वाट इज द डिसिमल रिप्रेजेंट ऑफ द डिसिमल नंबर ऑफ 5, ये आपको दिख पे कर रहा होगा, दूसरे भाग कीजिएगा तो 0 0 ये 0 1 0 1 आएगा ठीक है। और हम लोग लास्ट एगो सीरीज पढ़ ले थोड़ा ये MCQ का, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑल्सो नोन एज अ रिफ्लेक्टेड ऑफ द रिफ्लेक्टेड कोड, इस किसको कोड कहते हैं रिफ्लेक्टेड कोड, ये आपको मालूम है, रिफ्लेक्टेड कोड हम लोग कहते हैं ग्रे कोड को ठीक है, ये ऑल्सो नोन एज अ रिफ्लेक्टेड कोड, विच कोड को रिफ्लेक्टेड कोड कहते हैं। एक्सोर ऑफ एक्सोर इज द डैश डैश बाइनरी कोड, एक्सोर इज द डैश डैश इज डैश डैश ऑफ द बाइनरी कोड, कौन सा होता है MSB, जो MSP से मैग्नीट्यूड पढ़े थे, जो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोर देन डैश डैश कैरेक्टर, मोर देन माने 64, इसमें 64 कैरेक्टर होना जरूरी है। वाई द 8-bit MSB एडेड टू ब्रिक्स में, क्यों क्यों मैंने ऐड किया जाता है, फॉर द प्रायोरिटी, फॉर प्रायोरिटी के लिए। व्हाट ऑफ द 8-bit ऑफ द इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट ऑफ द अल्फाबेट, ये मुझे भी नहीं मालूम, तो मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला ठीक है। What will be the result BCD from the if two binary number of the one in और एड करेंगे, तो मैंने एड करते करते बनाया बाइनरी में किया, फिर उसके एड किया, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट करके जब चेक किया तो 1500 जब एड आता है तो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट करेक्ट ऑफ द बी नॉट करेक्ट BECDIC ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है इसके लिए, तो ये इट्स 7-bit ऑफ द कोड, ये 7-bit का कोड नहीं है क्योंकि ये 16 में आता है। MSB डैश डैश द सेम MSB करस्पॉन्डिंग ऑफ द गे को बाइंड्री कोड इज द सेम ऑफ द हाउ मच द रिप्रेजेंट द 8 0 10 BCD, देखिए 0 1 2 3 तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। एन बीट ऑफ द नंबर के रिप्रेजेंट साइन द इंटीजर्स रैगिंग फ्रॉम, अब देखिए यही क्वेश्चन हम लोग उसमें पढ़ते बट ये है रैगिंग मैंने रेंजिंग ठीक है रेंजिंग एन बीट उसमें क्या था, एन नंबर ऑफ बीट देते, इसमें क्या होगा n-n-1 ठीक, ये होगा ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे YouTube चैनल अच्छा लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक हम लोग को कुछ ज़्यादा व्यू मिली नहीं है, तो ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।